चैन दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग बात कर रहे हैं HCS प्रीलिम राउंडअप सीरीज़ के बारे में, विच वी आर रिवाइजिंग ज्योग्राफी एंड दिस इज़ द MCQ पार्ट्स। हम लोग यहाँ पे MCQs रिवाइज कर रहे हैं। आई होप अपने पहले वाले एस्पेक्ट में MCQs देख लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टूवर्ड सेकेंड पोर्शन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस MCQ सीरीज। सो गाइज, अगर आप और डिटेल में यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू रिवाइज बेटर एंड ऑल्सो परफॉर्म बेटर इन योर एग्जाम। ठीक है जी, चलिए हम लोग लेते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन हम लोगों का। अभी भी हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने कॉस्मोलॉजी वाले रीजन की बात कर रहे हैं, सन मून एंड अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सन। सन स्पॉट्स जो हैं दे आर टेम्परेरी फिनोमिना on the photosphere of the sun, they appear visibly bright spots compared to the surrounding regions and they may affect the climate of the earth by changing the solar output received by the earth। ठीक है जी, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है जी, तो वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना आंसर दे दीजिए यहाँ पे। सो आंसर, करेक्ट आंसर हियर इज, इट इज सी, 1 and 3 गाइज। ठीक है जी, 1 and 3। सो गाइज, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इट इज़ नॉट द ब्राइट स्पॉट बट कंपेरेटिवली जो है डार्क स्पॉट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सन स्पॉट्स होते हैं दे आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटोस्फीयर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स इन द सन, जिसके कारण जो है कंपेरेटिवली कोल्डर प्लेसेस या कंपेरेटिवली कम टेम्परेचर की जगह देखने को मिलती है आसपास के रीजन से, जिसको हम लोग सन स्पॉट्स बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन के रिगार्डिंग आपको जो है स्टेटमेंट बतानी है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट डिमार्केट्स द चेंज ऑफ वन कैलेंडर डे टू द नेक्स्ट। द लाइन पासिस थ्रू द इंडियन ओशन। ठीक है जी, लाइन जो है वो इंडियन ओशन से पास कर रही है। सो यहाँ पे आप अपने ऑप्शन देख लीजिए, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो यहाँ पे जो है द आंसर हेयर इज, इट इज 2 only। सो गाइस, सिर्फ 2 only है। इट मार्क्स द चेंज ऑफ वन कैलेंडर डे एंड इसके अलावा दिस लाइन इज नॉट पासिंग फ्रॉम इंडियन ओशन, इट इज़ पासिंग फ्रॉम द पैसिफिक ओशन। एंड यहाँ पे जो है इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट इज़ अ zigzag लाइन। ठीक है, सो करेक्ट जो आपकी आंसर है वो सिर्फ 2 only ही है। ठीक है, इस तरह से zigzag लाइन आपको देखने को मिलती है, मैंने रिविजन के टाइम पे भी बताया था। ओके, नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ दीज आर नियरली ऑफ इक्वल लेंथ। कौन सी जो है इक्वल लेंथ की होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर ऑन दी बोथ द ट्रॉपिक्स, इक्वेटर एंड बोथ द ट्रॉपिक्स एंड प्राइम मेरिडियन अदर लॉन्गिट्यूड्स। कौन सी जो है इक्वल लेंथ की होती हैं। ठीक है जी, सो आप अपने ऑप्शन देख लीजिए एंड करेक्ट आंसर बता दीजिए। सो द आंसर हेयर इज, इट इज सी, 1 and 3। बिकॉज हमें करेक्ट बताना है तो आपका इक्वेटर एंड ट्रॉपिक जो है वो सेम नहीं होती। इक्वेटर जो है सबसे बड़ा सर्कल होता है, तो ग्रेट सर्कल बोलते हैं उसके ऊपर जो है, जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि लैटिट्यूड्स वो उनका जो लेंथ है ओवरऑल वो कम होता रहता है। ठीक है जी, बट जो लॉन्गिट्यूड होती हैं वो सारी सेम होती हैं। ठीक है, एंड कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न ये भी इक्वल होती है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, एट अ गिवन अपेरेंट पोजिशन ऑफ सन इन द स्काई ऑल द प्लेसेज ऑफ सेम लॉन्गिट्यूड रिसीव सेम अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन एंड सन इज ओवरहेड एट द सेम टाइम फॉर ऑल द लोकेशंस विद इन अ सेम लैटिट्यूड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी, करेक्ट बताना है। सो अगेन अपना आंसर दे दीजिए यहाँ पे। सो हेयर द आंसर हेयर इज डी, नाइदर वन नॉट टू गाइज। ठीक है, नाइदर वन नॉट टू। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेम आउट ऑफ इंसुलेशन की। ठीक है, नॉट सेम सन टाइम की। अगर सेम सन टाइम बात की होती तो सेम लॉन्गिट्यूड में सेम सन टाइम जरूर देखने को मिलता है, बट जो इंसुलेशन है वो सेम नहीं होती है। ठीक है जी, इट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ट्रॉपिक्स एंड इक्वेटर। देन सन जो है ओवरहेड हर लोकेशन में आपको कहाँ पे देखना, सेम लैटिट्यूड में नहीं, सेम लॉन्गिट्यूड में देखने को मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दैट दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ पे गलत हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अंदर के अर्थ की जो हमें स्टडी है वो इनमें से कौन सी चीज़ों से पता चलती है। साइस्मिक एक्टिविटी, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन या मीटियोर्स जो कि टाइम टू टाइम अर्थ पे आते रहते हैं। सो अगेन इसमें आपको जो है बताना है करेक्ट आंसर क्या है। वीडियो पॉज कर लो, अपना आंसर दे दीजिए। सो द करेक्ट आंसर हियर इज गाइज, इट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी जो है बेसिक सोर्सेज होते हैं जिससे हम लोग अपने अर्थ की फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं, उसके इंटीरियर स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। सो ऑल ऑफ देम हेल्प इन बिल्डिंग दैट नॉलेज फॉर अस। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। विद रेफरेंस टू द वेरिंग लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, जो दिन और रातों के बीच में आपको वेरिंग लेंथ देखने को मिलती है, इस इन स्टेटमेंट को देखिए। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन विंटर्स एज वी मूव टूवर्ड्स नॉर्थ, डार्कनेस
जो डार्कनेस के घंटे हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं स्टेडिली, एंड ड्यूरिंग समर्स नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसिंग 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूअस डे लाइट, सारा 6 महीने जो आपको डे लाइट देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, वीडियो पॉज करो अपना आंसर दे दो। सो द आंसर हियर इज इट इज डी, नाइदर वन नॉर टू, दैट मीन्स बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एंड इस करके जो है आपको इनकरेक्ट बताना था, तो दोनों ही स्टेट मतलब इनकरेक्ट कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो नीदर वन नॉट टू हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को कि आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जब पूछी हो तो आपको उस हिसाब से सोचना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 के आप पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ हैज एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, अर्थ हैज एन एटमोसफेयर बट मून डज नॉट, एंड अनलाइक अर्थ गैसेज इन मून कैन एस्केप इट बिकॉज मून हैज़ लो ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है जी। तो आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, बोथ ए एंड एसर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, दोनों सही हैं, बट आर जो है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए पहली गलत है, दूसरी सही है, दूसरी गलत है, और दूसरी सही है, सॉरी पहली सही है, दूसरी गलत है, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे अपना आंसर देना है, तो वीडियो पॉज कर लो, अपना क्वेश्चन को देखो ध्यान से, आंसर दो इसका। सो द आंसर हियर इज इट इज ए, बोथ द ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। सो अनलाइक गैसेज जो है मून्स में, जो गैसेज लाइटर गैसेज होती है वो एस्केप कर जाती हैं, क्योंकि मून की ग्रेविटेशन फोर्स कंपेरेटिवली लो है, 1/6 है अर्थ से, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे बेसिकली मून के पास जो है उतना बड़ा, उतना थिक एटमोसफेयर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जियोलॉजिकली ज्योग्राफिकली स्पीकिंग विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव मोस्ट लाइकली टू हैव एटलीस्ट 3 to 4 टाइम जोन, 2 से 4 टाइम जोन किसके पास होंगे, जिसके पास बहुत बड़ा स्ट्रेच है ईस्ट टू वेस्ट, जो नदी के जो समुद्र किनारे है, जिसका लैटिट्यूडनल स्ट्रेच बहुत बड़ा है, या जो ग्रीनविच से सबसे दूर है, ठीक है, किसका जो है सबसे ज़्यादा टाइम जोन देखने को मिलेंगे, 2 से 4 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अपना वीडियो पॉज कर लो, अपना आंसर दे दो। सो द आंसर हेयर इट इज येस इट इज ए, बिल्कुल सही। सो इट इज कि कंट्रीज जो है दे हैव, जिसका सबसे ज़्यादा ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रेच होता है, उतने ज़्यादा वो जो है लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस करते हैं, उतने ज़्यादा जो है टाइम जोन उनके हो सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, ड्यूरिंग द डे एंड नाइट ऑफ अर्थ इज अल्टर्ड और अफेक्टेड ड्यू टू, ठीक है, ड्यूरेशन जो है दिन और रात का वो अर्थ का किस चीज़ से अफेक्ट हो सकता है, एक्सियल टिल्ट, पोलर बल्ज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, ठीक है जी, एक्सियल टिल्ट से, पोलर बल्ज से, या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से, ठीक है जी, जो ड्यूरेशन ऑफ डे या नाइट हमको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बताओ भाई, सो द करेक्ट आंसर हियर इज इट इज 1 and 3 गाइज, बिल्कुल सही जी। 1 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण जो है क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है जी, एंड एक्सियल टिल्ट के कारण जो है ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स अफेक्ट होते हैं, बट पोलर बल्ज के कारण जो है आपको, पोलर बल्ज एक्चुअली होता ही नहीं, पोलर बल्ज बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देखने मिलता है, पोलर जो है स्लाइटली डिप्रेस देखने में मिलता है, डिप्रेस्ड रीजन होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो आपको जो है आंसर इज 1 and 3। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ट्रेवलर जो ईस्ट की तरफ को जा रहा है ग्रीनविच से, वो टाइम को लूज करता है अंटिल इट रीचेज 180 degrees ईस्ट, प्राइम मेरिडियन इज अ लैटिट्यूड विच पासिस थ्रू रॉयल ऑब्जर्वेटरी, एंड इंडियन गवर्नमेंट ने जो है 75 degree ईस्ट को जो है स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है, विच इज 5 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये बतानी है आपको, इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। सो गाइज अगेन एज फार एज इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कंसर्न, आंसर इज इट इज येस, बिल्कुल सही, इट इज डी, 1, 2 and 3 ऑल ऑफ देम आर इनकरेक्ट, ठीक है जी। जो ईस्ट की तरफ जाता है तो हमें यह पता है कि हमारा फार्मूला क्या है, ईस्ट गेन ऐड का, तो ईस्ट की तरफ हमेशा टाइम ऐड होता है, एंड इट इज़ नॉट अ लैटिट्यूड, इट इज़ अ लॉन्गिट्यूड, एंड इंडियन गवर्नमेंट जो है वो क्या ले रखा है, 75 degrees एंड 7.5 degree, सो 82.5 degrees हम लोगों का लैटिट्यूडनल या हम लोगों का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है गाइस, ठीक है जी। सो दीज वर द 10 क्वेश्चंस फॉर यू पीपल फॉर टुडे, आई होप आपको जो है क्वेश्चंस अच्छे लगे और आपने अपने आंसर्स को कोड भी कर लिया है, एंड आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कितने आप स्कोर कर रहे हो। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में, टिल दैट टाइम थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड बाय बाय।